यहाँ पे आपको ये गन मिल जाती है जो कि कुछ इस टाइप से है, और आपको एक A4 शीट भी मिलती है जिसके अंदर कुछ डिटेल्स जो है वो मेंशन करी गई है, तो आप इनको रीड कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मेंशन करी गई है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे अपनी मेन प्रोडक्ट को हम देखते हैं क्या है क्वालिटी, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, वो सब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है हमारी ये गन, और यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे क्या क्या मैंशन करी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। तो ये आ जाता है ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन, जिसमें आपको जो है वो इंडिकेटर लाइट भी मैंशन करी है, जब यहाँ पर ये ऑन होगा तो वो आपको मैंशन हो जाएगा। साथ में जो है वो इसका स्पीड कंट्रोलर है, यानी ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये इसका कंटेनर आ जाता है, इसकी जो है वो बॉटल आ जाती है इसके अंदर। दोस्तों आप जो है वो सैनिटाइजर जो है वो आप भर सकते हैं, साथ में इसमें नीचे फिल्टर भी दे रखा है, यानी जहां से ये सैनिटाइजर ऊपर लेगा वहां पे एक फिल्टर भी लगा रखा है। साथ में जो है वो एक अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे इसको रखने का भी ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि आप कुछ इस टाइप से देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसा रख दिया है। और बाकी ये आ जाती है इसकी नोजल, यानी फ्रंट पे आपको जो है वो नोजल देखने को। सैनिटाइजर डालने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बॉटल को ऐसे कुछ टाइप से खोलना होगा, बहुत ही ईजी स्टेप है, आपने रखना है सैनिटाइजर। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जेल वाला ना हो, ये लिक्विड बेस वाला हो। तो ये जो है वो सैनिटाइजर मैं डालता हूँ, और सिंपल ये जैसे मैं आपको बता रहा था ना फिल्टर टाइप का, वो यहाँ पर लगा हुआ है, और इसको हम ऐसे करेंगे और ये हमने कुछ इस टाइप से जो है वो उसको बंद कर दिया, और ये गिरेगा नहीं। आप अगर अब उल्टा भी कर दोगे या फिर इधर उधर कर दोगे तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये जो ये मैं ऑन करता हूँ पहले से हीट हो रखी है, उसको मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। ये होता है स्पीड, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे ये देखिए स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और आप इसको देखिए जैसे कि ये इधर मार दिए, और ये हैंडल्स पे ज़्यादा ही कुछ केयर करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले आके लोग हैंडल